इंडिया मुस्लिम बसल लॉ बोर्ड ने कहा कि हम जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है, ले रहे हो ना? मेरा भी मौका वही है और मेरा मानना यह है कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जरूर है मगर इनफेलेबल नहीं है। सुप्रीम जरूर है मगर इनफेलेबल नहीं है। चौथी बात, मेरा इस जजमेंट पर इनिशियल मेरा रिएक्शन ये है कि जिन्होंने बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया, शहीद किया 6 दिसंबर 1992 को, आज उन्हीं को ये बोली ट्रैवेस्टी कहिए क्या कहिए, किस्मत कहिए कि आज उन्हीं को सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ट्रस्ट बनाकर वहां पर आप मंदिर का काम शुरू करिए। मेरा मानना यह है कि अगर बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर को शहीद नहीं होती तो क्या फैसला देता कोर्ट, फैसला क्या आता अगर मस्जिद वहां पर रहती। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो मेरा जो क्योंकि 1045 पेजेस का जजमेंट है उसमें टाइम रहेगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया जजमेंट में बाबरी मस्जिद के शहादत का डिमोलिशन का कि वो कानून के खिलाफ था, तो अगर बाबरी मस्जिद शहीद नहीं होती तो क्या फैसला बताइए आप, फैसला क्या आता नहीं मालूम मुझे। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है मगर इनफेलेबल नहीं। सुनिए सुनिए, और 5 एकड़ जमीन का जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, देखिए हम मुसलमान जो है हिंदुस्तान के संविधान पे हमको अटूट भरोसा, हम अपने लीगल राइट के लिए लड़ रहे थे। अगर मुसलमान यकीनन गरीब है, मुसलमान कमजोर है, मुसलमानों से डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। ये जिस तरह सुबह सूरज निकलता उस तरह से सच्चाई पर वो बननी है, मगर इन तमाम कमजोरियों के बावजूद भी हिंदुस्तान का मुसलमान इतना गया गुजरा गिरावा नहीं है कि वो 5 एकड़ जमीन अपने अल्लाह के घर की तामीर के लिए जमीन नहीं खरीद सकता उत्तर प्रदेश में। हम अपने एक लीगल हक के लिए लड़ रहे थे, हमको किसी से खैरात की जरूरत नहीं है 5 एकड़ जमीन की, हम मस्जिद बना सकते। अगर आज मैं रोड पे निकल के भीख मांगू लोगों से, हैदराबाद की आवाम से, तो यकीनन हैदराबाद की आवाम इस गुनाहगार की झोली में इतना पैसा डाल देगी कि मैं उत्तर प्रदेश में 5 एकड़ जमीन बना सकूंगा। हम अपने लीगल राइट के लिए लड़ रहे थे, हमको किसी से भीख की जरूरत नहीं है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि हमको पैट्रोनाइज करने की जरूरत नहीं आपको। तो अब ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या फैसला लेगा, किस बात पर फैसला लेगा, कि रिव्यू करेंगे नहीं करेंगे, वो 5 एकड़ की जमीन को कबूल करेंगे नहीं करेंगे। मेरी जाती राय है कि हमको 5 एकड़ के इस ऑफर को रिजेक्ट करना चाहिए। हमारी लड़ाई एक लीगल राइट की लड़ाई थी और सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जरूर है मगर इनफेलेबल नहीं है। ये किसने कहा था, ये जस्टिस जे एस वर्मा ने कहा था, जिसको बीजेपी वाले और हिंदुत्व जहन रखने वाले बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आखिरी बात यह है कि मेरा मानना यह है कि मुल्क जो है अब हिंदू राष्ट्र के रास्ते पर जा रहा है। संघ परिवार बीजेपी अयोध्या से इसको शुरुआत करेगी, एनआरसी सिटीजन अमेंडमेंट बिल, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो बीजेपी इसको इस्तेमाल करेगी। और मैं उन तमाम हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों से अपील कर रहा हूं जिनको हिंदुस्तान पर नाज है फखर है, यकीनन आपको मुझसे नफरत होगी, आप मेरी राय से मुत्तफिक होंगे या नहीं होंगे सियासी तौर पर, मगर मैं आपको मुतनब्बे कर रहा हूं कि आप देख लीजिए मेरी एक एक बात सच साबित होगी। ये तमाम चीजें होने वाली हैं उस मुल्क में और ये हम समझते हैं कि ये जो फैसला आया है जो पर्सन ने कहा कि सेटिस्फैक्टरी नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ఒక విచిత్రమైనటువంటి ఒక విడ్డూరమైన వ్యక్తి, ఆయనకు కోర్టుల మీద నమ్మకం లేదు, వ్యవస్థల మీద నమ్మకం లేదు, రాజ్యాంగ సంస్థల మీద నమ్మకం లేదు, ఆయనకు ఒక దారుసలాం తప్పితే మిగతా మొత్తం అదే ప్రపంచం అనుకుంటున్నాడు. ఇవాళ సున్నీ బోర్డు సైతం కూడా వాళ్ళు భవిష్యత్తులో దీనికి కోర్టులో వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదని చెబుతా ఉంటే 5 ఎకరాలు భవ్యమైనటువంటి మసీదు కట్టుకోవడానికి కోర్టు ఇవాళ ఇస్తే దాన్ని కూడా చిన్నగా చేసి మాట్లాడడం, మాకేంటి భిక్ష అని చెప్పడం,
తన స్వప్రయోజనం కోసం మాత్రం ప్రభుత్వ భూములు కావాలి, ఆసుపత్రులు కావాలి, కాలేజీ కావాలి. ఇవాళ ఆ సున్నితమైన సమస్య పరిష్కారం దిశలో ఆ వర్గాలకు ఒక మసీదు నిర్మాణం కోసం 5 ఎకరాలు ఇస్తే భిక్షమేది అంటున్నాడు. దారుస్థలం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఇవాళ మెడికల్ కాలేజ్ భూమి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? మీ ఆసుపత్రికి భూమి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? అంటే మీ పార్టీ కోసం, నీ వ్యాపారాల కోసం ప్రభుత్వం భూమి కావాలి. ఒక సముదాయం విశ్వాసాలను కాపాడేదానికి 5 ఎకరాల భూమి అంటే వారు మాట్లాడే విధానం. కాబట్టి ఈ రెచ్చగొట్టే విధానాల వల్ల ప్రజలు మోసపోరు. మొత్తం ఇవాళ ముస్లిం సముదాయంలో కూడా పెద్ద ఎత్తున దాన్ని స్వాగతిస్తున్నారు. మనం చూస్తున్నాం మిఠాయిలు పంచుకునేటువంటి ఉదంతాలు కళ్ళారా చూశాం. కలిసి ఉండడం కూడా సహించలేనటువంటి ఓవైసీ, సమన్వయంతో కొనసాగేదానికి మనసు ఒప్పుకునే ఓవైసీ ఇక అంతకంటే మించి మాట్లాడతాడని మనం కూడా పెద్దగా ఆశించలేము. అప్పీల్ నైజాయింగే బోల్కే కల్ బే ठीक है ठीक है कर सकते वैसा भी कर सकते नहीं. आज देश भर में सभी लोग, आज सुप्रीम कोर्ट का जो बयान है सभी लोग उसको स्वागत करें. और इतना बेहतरीन जजमेंट कोई भी उम्मीद नहीं करे. ठीक है, एक इक्का दुक्का कोई आदमी उसके मन में, थोड़े लोग नहीं चाहते भी, अमन शांति भी नहीं चाहते, ऐसे लोगों में कुछ मन में होगा. मगर पूरा दुनिया के अंदर आज हिंदुस्तान का नाम रोशन बढ़ गया. इवन्नी कूडा रेच्चगोट्टे माटलु. इवाल वारु प्रभुत्वं इंत सजावुगा ओक विप्लवात्मक निर्णयालतो साफीगा सागुतुन्न दान्नि जीर्णिंचुकोलेक असदुनि ओवैसी मरि మాట్లాడుతున్నారు, ఇష్టానుసారంగా మాట్లాడుతున్నారు. కాబట్టి ఓవైసీకి పరాభవం తప్పితే ఇంకేం ఇందులో